आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा मकसद यहाँ पर नुकसान पहुंचाना नहीं है, ना ही हम पहुंचा सकते हैं। हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं। क्या ये जो आग पड़ी है जिससे आप लोग बने हैं, क्या ये बुझा सकते हैं? मतलब आप इस कमरे में आ सकते हैं, अगर आप पूरे एरिया में अगर हैं तो क्या इस कमरे में हमारे करीब आ सकते हैं आप? एक सेकेंड, कोई हिले ना अपनी जगह से। हम आपसे मिलने आए हैं। आवाज आ रही है किसी के चलने की। सुनो आए आ सकते हैं तो फुल लॉक। ये मीटर दिखाए यार। ये मीटर दिखाए यार। एक सेकेंड। क्या दोबारा मौजूदगी दिखा सकते हैं अपनी? इशारे मशारे। मीटर पकड़, साथ साथ। एक सेकेंड, साथ साथ। ये लाइट गिर रहा है यार। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यार क्या कर रहे यार? सारे पूरे हो? शजीर, नाज़िन, हमें मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। अभी मैं और शजील, मेरा कैमरा मैन, वहाँ हमारी चीज़ें एक्चुअली रह गई हैं। हम भगदड़ में और भागदौड़ में पता नहीं लगा, क्योंकि अचानक ही चीज़ें हुई हैं। दरवाज़ा हमारे सामने बंद हो रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं? नाज़रीन, व्यूअर्स, आइए। शजील, मेरा ना साथ यार। शजील, अब रिस्क ले ले, आ जा। हम लोग अपनी चीजें चल यहाँ से। नाज़िन, ये जगह आपके सामने, अनबिलीवेबल। वसीम, मैं, कैमरामैन, पूरी देखा वजूद की टीम के साथ जो आज हुआ है,
वो कुछ छोटी मामूली बात नहीं है, बस नहीं गैर मामूली बात है। ऐसी है कि मैं आपको नाज़िम ये बताता चलूँ थोड़ा बहुत कि ये जो टेक्निक यूज हम लोगों ने की है ये बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया था और वसीम ने फैसला लिया था कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। आके वो चीज बनी है, हमने ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जो वेस्ट में बहुत ज्यादा माना जाता है इस तरह की पैरानॉर्मल ट्रिक्स और पैरानॉर्मल चीजों को प्रोवोक करने के लिए। हमने देखा, हमने ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया, हमने आग का इस्तेमाल किया, वो चीज ने इतना ज्यादा रिस्पांस और क्विकली रिस्पांस दिया कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी, क्योंकि ये हम पहले ऑफ द रिकॉर्ड काफी दफा कर चुके हैं ओजा बोर्ड के ऊपर। हाँ। लेकिन आज जब ये फैसला किया इस जगह पर्टिकुलर जगह के ऊपर कि इसको हम यहाँ पर आजमाएंगे, इसको परफॉर्म करेंगे, तो इतना इंस्टेंट रिएक्शन इसका आना, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, इसमें हम आपको ये बताते चलें, हमारे ईएमएफ की रीडिंग बार बार आना, हमारा ई फील्ड जो हम लोगों ने नया डिटेक्टर यूज किया छत पे बकायदा उसका नजर आना, कोई मुझे जो लगा साए का नजर आना, और वहाँ पे ई फील्ड की बकायदा रीडिंग आती थी जैसे कोई चीज आ रही है जा रही है, नीचे कुछ चलने की आवाजें। जब हम लोग उस कमरे में गए, बेसिकली सबसे अमेजिंग बात जो हमारे कैमरा से कैप्चर हुई है वसीम, उस रूम में फुल कैमरा वाइड शॉट में था। तो हम इसमें अब यही कह सकते हैं नाज़िम, हम लोगों ने आज बहुत हमें फीडबैक आ रहा था कि आप कुछ अलग करें और कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कराएं। हमने अपनी कोशिश की है कि ई फील्ड को अभी हम लोगों ने अपने शो में किया है, मुतारिफ करवाया है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पैरानॉर्मल ट्रिक इस्तेमाल की है जो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित अभी हुई है। तो नाज़िम आपके सामने थी आज की एपिसोड। तो नाज़िम आप ये जगह देख सकते हैं, ये क्या थी बेसिकली जगह। तो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग को रोक रहे हैं और यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। नाज़िम जो जो चीजें सामने आई वो आपके सामने है, तो अपने फीडबैक के लिए हमें आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक एड्रेस आपके पास है, हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है। जितनी ज्यादा आप ईमेल्स करेंगे, जितनी ज्यादा हमें फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हमें फीडबैक देंगे, उससे ही हम लोग ये चीजें इंस्पिरेशन मिलती है, कोशिश करते हैं कि मजीद बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएं। और हमारी ये कोशिश आपके लिए है नाज़िन, और हम ये चाहते हैं कि जितना भी इस तरह की बातें हैं, इस तरह के जो वजूद हैं जो नजर नहीं आते, उनकी हकीकत क्या है, उस हकीकत को इस कैमरे की आंख के अंदर समा सकें किसी तरह से, और आप लोगों तक पहुंचा सकें, बता सकें कि साइंस किस तरह से इस चीज का इदराक रखती है, और मजहब का किस हद तक जो इसके अंदर है इन्वॉल्वमेंट, और वो किस हद तक हमारी साबित होती है। बिल्कुल, ऐसा है कि नाज़िन आने वाले एपिसोड में हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको ऐसी लोकेशंस पे लेके जाएं जो आपके लिए बहुत डिफरेंट, और किसी भी पैरानॉर्मल शोज में वो जगह इन्वेस्टिगेट नहीं की हो, और ऐसे ऐसे हम लोग पैरानॉर्मल ट्रिक्स उसके साथ साथ हम अपने इस्लामिक स्कॉलर्स और बाकी म्यूजियम्स को भी इसमें काउंट करेंगे। तो नाज़िम ये आपके सामने की जगह, तो हम लोग यहाँ से अब वाइंड अप कर रहे हैं, और अनदेखा वजूद देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमने अपनी दुआ में याद रखिएगा मुशारिफ फारूकी और वसीम नकवी को, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।